हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें आपको बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन होंगे वो लेवल 1 के लिए होंगे। दोस्तों 60 क्वेश्चन होंगे, आप अपनी तैयारी परख लीजिए कि आप इनमें से कितने जानते हैं। अंत में कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आपने कितने जवाब सही दिए। अपने मार्क्स जो हैं जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आइए दोस्तों बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों से शुरू करते हैं। तो पहला है, अंगूर खट्टे हैं, किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है दोस्तों, याद रखिए, यौक्तिकीकरण का। ऑप्शन सी जो है इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों खेल। ऑप्शन सी जो है इसका जवाब होगा। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, तीनों इसमें सीखने के नियम में होते हैं, लेकिन खेल जो है वो नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं, बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। किस में परस्पर प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? तो ये होगी ऑप्शन डी, अनुवांशिकता और पर्यावरण में। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना कैसा होता है? तो ये होता है दोस्तों सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ऑप्शन सी जो है इसका जवाब होगा दोस्तों, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत छात्रों बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। याद रखिए, अगला है कि 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रावर्ती चिंतन होता है। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय किसके? सिवाय ये है दोस्तों चित्र रंगने के। ऑप्शन डी जो है इसका जवाब होगा। अगला देखते हैं कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रचार वाक्य हो सकता है? तो ये हो सकता है दोस्तों समावेशी शिक्षा के लिए। ऑप्शन बी जो है इसका जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो यह दोस्तों लिखना, ऑप्शन डी।
ठीक है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन पुनर्मिलन का एक प्रकार नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तीनों ही दोस्तों जो हैं वो पुनर्मिलन के प्रकार हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, बार्थ के संविधान में किसके लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो यह दोस्तों 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले पर कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो ये बल देता है दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, ऑप्शन डी जो है इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो सीखने का क्षेत्र है दोस्तों भावात्मक, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? तो इस अभिप्राय है दोस्तों संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों से हैं, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों किशोरावस्था से, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला, व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों एडवर्ड स्प्रेंजर के द्वारा, ऑप्शन डी जो इसका जवाब होगा दोस्तों। इनका पूरा नाम है एडवर्ड स्प्रेंजर। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? तो सही क्रम होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अंडाणु शुक्राणु युग्मनजोर ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? कि ये सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, तो ऑप्शन बी जो है इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रियता से निर्माण करते हैं।
यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों वो है पियाजे का, जीन पियाजे का ये कथन है, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? तो ये कहा था दोस्तों स्किनर ने, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो है इसका जवाब होगा। अगला देखिए, याकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? ठीक है, पहला है आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और शक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। दूसरा है आकलन सभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। नहीं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है बात ये। तीसरा है आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ये भी ठीक है दोस्तों। फोर्थ है आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार न हो। ये भी गलत है दोस्तों, भय और संचार का कोई इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन एक और तीन इसके जवाब होंगे दोस्तों, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों सभी। अगला, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो प्रतिक्रिया होनी चाहिए दोस्तों, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, कौन कौन से? पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल और पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। मैं चारों बातें करता है दोस्तों, तुम्हें बताना है ये किसके सूचक हैं। तो ये सूचक हैं दोस्तों अधिगम असक्तता वाले विद्यार्थी के, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? तो गलत कथन है दोस्तों कि सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं, ये कथन गलत है दोस्तों। ठीक है, अगला, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? इसमें सत्य है कि दोस्तों कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपण का कारण नहीं है? तो पिछड़ेपण का कारण नहीं है दोस्तों कि स्वस्थ वातावरण, ऑप्शन डी ये कारण नहीं है। अगला देखिए कि लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ये होता है दोस्तों पिता द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है,
अगला, किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है? यह होता है दोस्तों नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है, भूसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। तो इसमें सम्मिलित होना चाहिए दोस्तों कि अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वो प्रदान करे। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है दोस्तों, ये कहा गया है किशोरावस्था को, ऑप्शन बी ये कहा था दोस्तों स्टैनली हॉल ने कहा था, अगर पूछ लिया जाए आपसे। अगला, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो किस पर करता है दोस्तों बताइए, ये करता है दोस्तों स्वेदी प्रेरक चरण पर, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। तो पहला है, ओरई बांध परियोजना का संबंध किससे है? ओरई बांध परियोजना का संबंध जो है दोस्तों वह चित्तौड़गढ़ से, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो सबसे कम उपयुक्त तो जो है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिक पृष्ठपोषणीय फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कौन सा, कि क्या आप आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकर्मण कौशल का आकलन किया गया है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आकलन किया गया है दोस्तों अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग का, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रति पर्यावरणीय मुद्दों को किस द्वारा संबोधित करती है? तो ये संबोधित करती है दोस्तों विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग पर। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, कौन सा, कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो इन सवालों की जो प्रकृति है दोस्तों वो है कि ए मुक्त वाला अंत वाला अभिसारी है और बी बुद्ध अंत वाला अपसारी है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों।
ठीक है। अगला, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन जो होगा दोस्तों वो है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, बिल्कुल ठीक है। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता हो, बिल्कुल ठीक है ये भी दोस्तों। और कि शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी ठीक है दोस्तों। तो ए बी सी इसका जवाब होगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, ए बी सी, ठीक है। अगला, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ये नहीं करना चाहिए कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अगला, प्रथम ओजोन छिद्र कहाँ पर पाया गया था? तो ये पाया गया था दोस्तों ऑप्शन बी, अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन बी। अगला देखिए, ये वातावरण की आर्द्रता किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है दोस्तों हाइग्रोमीटर द्वारा, ऑप्शन बी। अगला, नदी में जल प्रदूषण को किसकी गुणित मात्रा से मापा जाता है? ये मापा जाता है ऑक्सीजन की गुणित मात्रा से, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? बार बार पूछा के क्वेश्चन है। तो स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों ऑप्शन डी, समुद्र। ठीक है, अगला, उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता दोस्तों चीड़ का पेड़, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला, शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? तो ये दोस्तों स्प्रूस, ऑप्शन बी। अगला, मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले से है? मानसी वाकल परियोजना का संबंध जो है दोस्तों किस जिले से है? यह है उदयपुर से, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है,
अगला, सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक कौन सा है? तो यह दोस्तों नीम का पेड़, ऑप्शन सी। अगला, पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है? तो ये दोस्तों वायुमंडल में, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किसमें है? तो ये दोस्तों एक दिशीय में, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ये असत्य कथन है। ठीक है, अगला, EIA का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है दोस्तों एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को, ऑप्शन बी। अगला देखिए कि नील शिशु संलक्षण जिसे मिथेमोग्लोबिनेमिया जल में किस चीज की अधिकता के कारण होता है? ये होता है दोस्तों नाइट्रेट की अधिकता के कारण, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला, पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा कितनी है? तो ये दोस्तों 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, हैजा एवं आंत्र जोर के कारण क्या है? तो ये दोस्तों जीवाणु, ऑप्शन सी। अगला, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों नाइट्रोजन, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस से किया जाता है? तो ये जो किया जाता है दोस्तों वो बिजली चमकने से भी, स्थिरीकरण जीवाणु से भी और उर्वरक से भी, तीनों से किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी से। अगला, भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया कौन सा है?
तो सर्वप्रथम पूछा जाए जब दोस्तों, तो ये होता है जल अधिनियम, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला, ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? तो ये मापी जाती है दोस्तों डोप्सन इकाई में, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों वर्ष 1986 में, ऑप्शन ए। अंतिम देखिए दोस्तों, कि हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है, तारे का नाम क्या है? तो तारे का नाम है दोस्तों बिटरल्यूगस, ऑप्शन सी, बिटलुगस इसका नाम है, याद रखिए। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और आप अपने जो मार्क्स हैं दोस्तों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।